हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वंस अगेन आई एम बैक विद हारिस शेख एंड हिज आल्टो। दूसरा आज कब लोग होने जा रहे हैं, हम इस आल्टो पे आज करेंगे तैयारी कुछ साउंड की, चेंजिंग ऑफ साउंड। आज हम इस आल्टो को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक्चुअली आल्टो स्टेट पर आप लोगों ने सबने देखी होगी, लेकिन हमने अब इंजन की मैक्सिमम साउंड निकालनी थी, क्योंकि परफॉर्मेंस तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि सुजुकी की R06A की फाइल्स, ECU रिफ्लैश और इस तरह की चीज़ें भी आई नहीं है, और ना ही इंजन टर्बो है। तो हम इसमें मैक्सिमम यही है कि इसका साउंड चेक कर सकते हैं मैक्सिमम कितना। स्ट्रेट पाइप आल्टो आप सबने देखी होगी, एग्जॉस्ट के बगैर आपने स्ट्रेट पाइप वाली भी देखी होगी। बट टुडे व्हाट वी आर डूइंग कि हम इंजन के हेड से लेके एंड तक स्ट्रेट पाइप, फुली स्ट्रेट, स्ट्रेट हेडर्स, स्ट्रेट मिड पाइप और स्ट्रेट पाइप, ये तीन कंपोनेंट आज हम इसमें फिक्स करेंगे और फिर देखेंगे कितनी ऊंची होती है। आल्टो ऊंची होने के लिए तैयार हो जा। ओ सॉरी, चिरी डेटा और मे बी मैं कोई चीज क्लेम नहीं करता, ना मुझे शौक है किसी कंपीट करने का। इट्स नॉट अ कंपटीशन, इट्स जस्ट फ्रेंडली रेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। तो मे बी वी विल ट्राई के इंट्रोड्यूसिंग द लाउडेस्ट आल्टो ऑफ पाकिस्तान, द लाउडेस्ट आल्टो ऑफ पाकिस्तान। आज हम इसको करने जा रहे हैं, मतलब कन्फर्म्ड ग्रांटेड नहीं, लेकिन वी विल ट्राई आर बेस्ट। ओके, तो सी ऑन द मॉडिफिकेशन। और वासिफ ना आ रहा है, हम अब उसके पास जा रहे हैं। पहले हम इसको आपको चेक कराने लगे हैं इसकी स्टॉक साउंड। आपको पहले हम बता चुके हैं कि आटो के R06A की पाइपिंग में तीन कंपोनेंट है। पहले उसका हेडर्स हैं, जिसमें एक कैट है, फिर उसका मिड पाइप है जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, फिर उसकी ओरिजिनल पाइपिंग है जिसमें दो कैट हैं। फिलहाल हम ये दो कंपोनेंट्स चेंज कर रहे हैं, जिसमें उसके हेडर्स हैं, जो हम स्ट्रेट हेडर्स बनवा के लाए हैं, उसकी पिक्चर यहाँ पर लगा देंगे, वो आप देख लेना। उसके अलावा हमारे पास पाइपिंग है, वो आपको दिखा देते हैं। ये तो बोल्ट है। ये इसकी पाइपिंग है। फिलहाल ये पाइपिंग आयरन है, ये लोहे में है, जो आप मार्केट से बनवाने जाएं दे विल गिव यू एन एस्टिमेट ऑफ समवेयर 10 to 12,000। लेकिन अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे 12,000 पर इसके ऊपर जो कुछ हुआ है उसका, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, सो I will make your pipings around 5,000, 6,000, 7,000 depending on the car you have. Alto थी ये, मैंने 5,000 में बनाई है, खुद बनाई है। So for further details मेरा इंस्टा नीचे mention कर देंगे आपके होस्ट, तो आप मुझे वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर लेंगे। जी हो गया। सबसे पहले जी हेडर चेंज करने पर आए, तो हेडर चेंज करने का सांस तरीका ये है कि आपने बम्पर के ये तीन नट ये मैंने चेंज करके वॉशर लगाए हैं, यहाँ 10 MM के बोल्ट होते हैं, ये चार क्लिप, दो इधर। इसके अलावा ये नंबर प्लेट के दो नट्स ये आप खोलेंगे, इसके पीछे एक और नट होगा वो भी आपने खोल देना, और इसके नीचे जो बम्पर रैक है आपने उसके सारे मेरे क्लिप्स उतरे हुए हैं, क्लिप्स उतार के आपने बम्पर उतार लेना। बम्पर उतारने के बाद, क्योंकि ये हेडर मैं थोड़ी देर पहले फिक्स कर चुका था और आपके होस्ट ने मिस कर दिया, मैं सुता है। स्ट्रेट हेडर्स आल्टो में तीन सिलेंडर वाला इंजन है R06A, लेकिन उसके हेडर का एग्जिट का एक ही सुराख है। ये हेडर्स हैं जिसके ऊपर हमने हीट रैप किया हुआ है। इसको लगाने का तरीका यह है कि आपने 14 mm के ये 1, 2, 3 नरम हाथ से ये बोल्ट खोल लेना है। उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाए, तो यहाँ नीचे जहाँ पे इसका ये फर्स्ट जॉइंट है, यह एक और ये दो, ये गालिबन 12 mm के बोल्ट होंगे जो जेन्युइन होंगे, वो आपने खोल लेने हैं। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाए हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बिल्ट इन स्क्रू नहीं थे, सिर्फ सुराख थे, तो मैंने उसको नट्स और चेक नट लगा के स्टेबल किया होगा। उसके अलावा ये हेडर्स में आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि हेडर आपके पक्के हों, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, खुल जाते हैं, हाँ हेडर टूट जाते हैं। ये आप अगर मार्केट में या किसी मोटर स्पोर्ट्स से बनवाने जाएंगे, इसका एस्टिमेट दे विल गिव यू 15,000 रुपया सिर्फ इतने से पाइप का। लेकिन अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, तो आल्टो के सिंगल एग्जिट वाले जो हेडर्स हैं वो आपको 5,000 रुपये में बनवा के मैं दे दूँगा। जिस तरह ये बना हुआ आप देख रहे हैं, इसमें
पूरे हेडर्स, इसका पेंट, इसकी शेपिंग और इसके ऊपर हीट रैप इंक्लूड करके ये टोटल आपको 5,000 रुपये में हेडर कहेंगे तो फिक्स भी कर दूंगा। जस्ट आप पर डिपेंड करता है आपने कैसे करना है। तो आपका एस्टिमेट अगर आपने स्ट्रेट हेडर ओनली करवाना है तो दिस विल बी 5,000 अलोन। इसके बाद है जी एंड वाला पाइप। अब चलते हैं इसे फिक्स करने की तरफ। इसे फिक्स करने के लिए आपने सबसे पहले इसका जेन्युइन पाइप खोल लेना है। हाँ, आपको दिखाता हूँ कैसे। भैया आप क्या करने आए हो? आप ना आ रहे थे अभी तो। सबसे पहले आपने गाड़ी को जैक पे लगा लेना। हमारे पास जैक नहीं था तो आपने आजकल कुछ भी पढ़ लेनी है, ईंट पे लगा दे। उसके बाद अगर आप नीचे आए, ये इसका लास्ट पाइप का जॉइंट है जिसमें दोनों तरफ एक इस साइड पे और एक इस साइड पे 14 नंबर के दो स्प्रिंग बोल्ट हैं, वो आपने खोल लेने। वैसे तो ये नरम से होते हैं, आप 14 के बोल्ट से इन्हें खोल सकते हैं। इन्हें आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन्हें संभाल के रखना है। दी द पेयर कॉस्ट समवट अराउंड 500 to 800 रुपीज़, विच इज़ अ पेन इन द गट एक्चुअली टू बाय अगेन। सो आपने उतार के साइड पर रख लेना। उसके बाद एक रबर की ये सपोर्ट है, एक सपोर्ट आपके इस कैटलिटिक कन्वर्टर के ऊपर है और एक सपोर्ट इसकी लास्ट में होगी जो आपने हाथ से उतार लेनी है। और वो आप नीचे वाली पाइपिंग के साथ इस तरह उतार सकते हैं। देखिए दोनों हाथों से जोर लगाएंगे इस वाले को उस तरफ करके आप रबर इसको रबर से बाहर खींच लेंगे। उसके बाद आपने गाड़ी को बैक से जैक पे लगा लेना और लगाने के बाद ये वाली जो आपकी व्हील की ट्यूब है जिस पे आपके दोनों व्हील्स राइट और लेफ्ट पीछे लगे हैं, उस ट्यूब के अंदर पाइपिंग गड़ी होती है सो दैट आपकी पाइपिंग चोरी ना हो सके। वो पाइपिंग आप गाड़ी जैक पे लगाएंगे तो पाइपिंग में डिस्टेंस बन जाएगा और पाइपिंग आपने अंदर की तरफ खींच के उतार लेनी है। किधर गया? ये करना पड़ता है जब आप घर में काम करें। वैसे आपको ये पाइप ओरिजिनल आल्टो के पाइप से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि पाइप पीछे से क्रैक हो गया। इस पाइप का जो इतना पार्ट है, इससे आगे पार्ट ये इस व्हील की ट्यूब के ऊपर से आता था। जब गाड़ी मेरी लो थी, अगर लो आपको समझ नहीं आ रहा तो लो से मेरा मतलब है कि जब ये वाला फेंडर इस टायर के ऊपर टच कर रहा था उस वक्त एक जंप से गुजारते हुए ये पाइपिंग टूट गई। पाइपिंग जंप पे अड़ गई, पाइपिंग जेन्युइन थी। तो अब हमने गाड़ी जैक पे लगाई, सब कुछ किया, लेकिन वो पाइपिंग बेंड इतनी हो गई थी कि हमें वहाँ से निकालने के लिए उस पाइपिंग को तोड़ना पड़ा। पाइपिंग का टूटा हुआ पार्ट अंदर पड़ा है। अगर आपकी पाइपिंग नहीं टूटी तो आपने उसको आगे की तरफ पुश करना है, ट्यूब से बाहर आ जाएगा, फिर आपने उसको एक साइड से बाहर निकालना है। ये जेन्युइन पाइपिंग अब रखते हैं साइड पे और स्ट्रेट पाइपिंग ले गया। स्ट्रेट पाइप जो हमने बनवाया था ये हम पहले फिट कर चुके थे, तार के हमने ये रखा हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम हमने इसे लगाते हुए पेंट नहीं था गया जिसकी वजह से इसके ऊपर रस्ट आ गया। आई विल मेक श्योर कि जब आप बनवाएंगे तो मैं पेंट करवा के दूंगा। अभी हम इसका ये रस्ट उतारते हैं और इसकी थोड़ी मालिश शरीफ करते हैं ब्रेक ऑयल से। आपने देखे मुझे जज नहीं करना, मैं इटली बुरश लेने गया था, बुरश लोहे दिया तारा वाला बुरश, लेकिन मार्केट बंद हो गई और मिला नहीं, इसलिए हम जुगाड़ करेंगे। इससे तो मेरी जबान को कुछ होना चाहता है। वो रेग मार नहीं मारते पेंट वाला, मुझे उससे बड़ी चीड़ है। बड़े जी से दिल करा मुक्के मार के बंदा पतीसी बार काट दे। अब एक मेरी मूछ इधर जा रही होगी, एक इधर आ रही होगी, कराते हैं सेट हम भी। हुई जैसे गाड़ी सेट हो रही है वैसे हम अपनी मूछ भी सेट कराएंगे वन डे। जोर लगा के हाइया हम खोल लेंगे मुंह। मेरी तो है नहीं करनी। गाइस आई एम रियली सॉरी, पिछले दिनों मेरा ग्राइंडर चोरी हो गया। इसने चुका है
बताऊंगा नहीं किसने चोरी किया, लेकिन जिसने चोरी किया प्लीज वापस दे जाए यार, खुदा का नाम है यार वासिफ, वापस दो। तुम्हारे पास ग्राइंडर होता तो तुमने इसका मुंह खोलने के बजाय काट लेना, काट लेना था जैसे वो काट गई थी वो जो काट गई मेरा ग्राइंडर भी नहीं काट सकता। तेरे बाल भी इसने काटे थे ना। ये इसके बाल एफबीआई ने काटे थे। ये बड़े तरीके से आप वालों के जलसों में जाता होता था। एक दिन काली बीघो पे इसके दोस्त है वापस आया तो कटिंग हुई थी। अब वैसे आप पूछेंगे हमने ये कैसे तोड़ा था, ये भी हम पाइपिंग निकालने लगे थे, ये तब तोड़ दी, ये तब तोड़ दिया ना। हम तोड़ते रहते जी। किया भाई तेल आ रहे हैं, तेल लग रहा है यार, क्या हो गया, सारी रस्टिंग थी यार इसलिए हमने तेल लगाया यार, क्या हो गया, तेल लगाया उसका सारा खत्म हो गया सर, मेरा मतलब रस्ट खत्म हो गया ऐसा ही है। ये करना पड़ता है भाई, हाथ देखो, हालत देखो। कोई नहीं, ओके जी गाइस, तो वो मारा पड़ा है पाइप जिसको हमने फुल ल्यूब्रिकेट करके, ल्यूब्रिकेट ही होता है ना, हाँ जी ल्यूब्रिकेट होता है, हाँ जी ल्यूब्रिकेट करके अब हम इसको करने लगे हैं फिक्स, जहाँ हारिस ने आपको बताया था ये यहाँ पर। खाने में आया है हमारे पास जलेबी। हमारी नहीं है, बहुत बड़ी बात, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, याद रखा वेरी मेहनत एंड मुशक्कत के बाद हमारे हारिस भाई ने इंस्टॉल कर ली है आल्टो की हेड से लेके एंड तक स्ट्रेट पाइप। ओह यस, और ये बड़ी मशक्कत का काम था, मुझसे पूछे मैं पास बैठा देख रहा था। बड़ी मेहनत लगी है, सीना बहुत मेहनत लगी है, देखो मेरे भाई ने इसमें बहुत मेहनत की है, मैं सारी आवाज हमारा हो गया सब कुछ पैक, और अब हम जाएंगे इसको टेस्ट करने। बस भी मौसम हो रहा है 10:03 PM। GTA 6 हम लॉन्च कर रहे हैं, बेड पे लेटना है और खाना खाना, नहीं खाना खा के बेड पे लेटना है और गेम खेलनी है GTA 5। वैसे ये ईट स्लीप रिपीट था पर जी गाइस, तो स्ट्रेट पाइप हो चुकी है और ये इसका इंटीरियर है, यूनिवर्सल स्क्रीन, वो फोन आ रहा है, वो ये हैंडल है और ये उतर आता है, किधर गया है ये लो, ये आप लोगों के लिए और ये हमारे लिए, हम इस तरह ड्राइव करेंगे, वहाँ से वापस लगा दे। मैं कहाँ से लगा नहीं ना सकता नूब, ऐसे जी गाइस, तो पहला आपने रैप सुन लिया, लेकिन अभी हमने इसको फुल टेस्ट करना है, इसकी जो आवाज़ है, और अभी मोहल्ला है, रात का टाइम है, तो पर्सनल रिव्यू ये है, जिस आल्टो को मैं जानता था वो ये नहीं रही। वो ये नहीं रही, ये बहुत ओ गाड़ी किधर गई, तो जी गाड़ी हमारी ये है, हमने बाहर निकाल ली है, जो कि हमने निकाली धक्का मार के, असल में मसला ये है रात का टाइम है तो वाम सोई हुई है, तो हम नहीं चाह रहे कि हम मोहल्ले वालों को ना जगा दें, ये जगाती नहीं है, ये रुलाती है। तो अभी हम जा रहे हैं इसको।
सुनील ये हार्ट पेशेंट यहाँ पर रहते हैं तो भी आ रहे हैं इसको टेस्ट करने बाहर, अभी गली के एंड तक इसको ऐसे लेके जाएंगे हम। और मेरी बाइक भी ये खड़ी है, हैवियन शदीदुन काबुन शदादी। लॉक लगा हुआ है, लगा हुआ, लेट्स गो। हेले द कमर, क्या हुआ है भाई? मैं क्या क्रूज पे जाने हैं, क्रूज स्पीड पे जाते हैं। चलो यार लेट्स गो। हेलो हाँ चेंज कर दिया है। ओके तो जी गाइस ये थे लाउडेस्ट ऑटो के कुछ मजेदार अंश। ये कितनी लाउड है ये लाइव देखने के लिए आप हमें किसी भी ऑटो किसी भी ऑटो शो पे आप विजिट कर सकते हैं। वैसे है का आ रहा था, उन्होंने चला दिया लाहौर की फिल्म, आगे आ रहा है कॉन्सर्ट का जो ओपन फॉर ऑल है। और ये जो पटाखों वाली क्लिप थी उसकी असलियत जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब लाजमी करिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए, आपको बताएंगे पटाखे कैसे मारिए। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।